मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस रिमांड देने से इनकार। एनडीटीवी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में यूपी के लखीमपुर कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला दिया है। जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। कोर्ट ने उनकी कस्टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया। कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। गौरतलब है कि आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जुबैर के खिलाफ सितंबर 2021 में एक केस दर्ज हुआ था। जुबैर को अब सीतापुर जेल में ही रहना होगा। सोशल मीडिया पर आई इस खबर के बाद जनता की प्रतिक्रिया देखिए। बीबीसी एंकर सर्वप्रिया सांगवान ने ट्वीट करके लिखा, इस ट्वीट के लिए यूपी पुलिस ने जुबैर पर कार्रवाई की है और लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा, जुबैर पर एक दूसरे ट्वीट की वजह से एक और केस हुआ था, उसमें जुबैर को आज 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये मामला पता है। सुदर्शन के ट्वीट पर जुबैर ने पुलिस को टैग करके एक्शन लेने को कहा। इस पर सुदर्शन के आशीष ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस किया। नीचे वो ट्वीट देखिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट करके लिखा, इस झूठ और फर्जीवाड़े को बेनकाब करने के लिए मोहम्मद जुबैर को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। परम आदरणीय जस्टिस एनवी रमना, आपको अपनी अदालतों की साख की जरा भी फिक्र है? यह रंजन गोगोई की तरह का खेल है। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट करके लिखा, ये अपराध कैसे हो सकता है यूपी पुलिस? प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सुदर्शन न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर 2021 को लखीमपुर खीरी कोर्ट के एक आदेश पर मामला दर्ज कराया था। कटियार ने जुबैर पर सुदर्शन न्यूज चैनल के बारे में अपने एक ट्वीट के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मोहम्मद जुबैर मामले से जुड़ी हर जरूरी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।